ये आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड, हमारे पास आज मारुति कंपनी की बलेनो गाड़ी आई हुई है। तो इसमें कस्टमर का कंप्लेन क्या है, जब ये गाड़ी स्टार्ट करते हैं और गाड़ी स्टार्ट करके जब गियर में डाल के गाड़ी उठाते हैं या रेस करते हैं तो अलग ही हमिंग साउंड जैसा आता है, जैसे कोई बैरिंग गया हो या कुछ गया हो ऐसा साउंड आता है। तो हम आपको स्टार्ट करके साउंड भी सुनाएंगे। देखिएगा, गाड़ी स्टार्ट करो। देखिए फ्रेंड, यहाँ से ये साउंड आता है रेस करने पे। रेस करो, देखिए। सबसे पहले तो हम इसका एक एक बेल्ट उतारेंगे और एक एक बेल्ट उतार के चेक करेंगे कि हमारा आवाज़ कंप्रेसर से है या अल्टरनेटर से है या वाटर पंप से है। सबसे पहले तो हम एसी का बेल्ट उतारते हैं, एसी का बेल्ट उतार के फिर से गाड़ी चालू करते हैं और चालू करके चेक करते हैं कि जो हमारा साउंड है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर एसी का बेल्ट उतारने के बाद भी साउंड आएगा तो फिर हम अल्टरनेटर का बेल्ट उतारेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर अल्टरनेटर का बेल्ट उतारने के बाद हमारा आवाज़ बंद हो जाएगा तो हम चेक करते हैं वाटर पंप का साउंड है या अल्टरनेटर का साउंड है, क्योंकि अल्टरनेटर का बेल्ट फ्रेंड या तो वाटर पंप और अल्टरनेटर और क्रैंक पुली पे तीन पे चलता है, तो या तो वाटर पंप का हो सकता है या तो अल्टरनेटर का हो सकता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप एक एक बेल्ट उतारते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड, हमने इसको स्टैंड पे ले लिया है, देख सकते हैं। स्टैंड पे लेकर इसका एसी का बेल्ट उतारने जा रहे हैं। इसका सबसे पहले तो एसी का बेल्ट उतारते हैं, एसी का बेल्ट उतार कर और उसके बाद फिर से स्टार्ट करके गाड़ी चेक करेंगे। ठीक है फ्रेंड, इसका एसी का जो बेल्ट है उसमें कोई सेटिंग वेटिंग नहीं देता है टेंशन वेसनर, तो आपको इस तरह इसको डर से कटा के ही निकालना पड़ेगा। देखिए हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने एसी का बेल्ट उतार दिया है। अब गाड़ी को हम स्टार्ट करेंगे और फिर से चेक करेंगे। चलो गाड़ी स्टार्ट करो। देख सकते हैं हमारा एसी का बेल्ट बाहर आ चुका है। अब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं और फिर से वो साउंड सुनते हैं। रेस करो। तो फ्रेंड, अभी तो हमारा आवाज़ नहीं आ रहा है जो साउंड आ रहा था, तो हमें लगता है कंप्रेसर का ही प्रॉब्लम है। तो हमने आपको इस वीडियो में बताया कि वो किसका साउंड था और ये साउंड जब आता है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, किस तरह फोल्ड पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हमने एसी का बेल्ट उतारा। एसी का बेल्ट उतारते ही हमारा वो जो आ रहा था वो बंद हो गया है। ठीक है, तो उसका एसी कंप्रेसर में प्रॉब्लम है। तो अब वो हम एसी कंप्रेसर चेक करेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है, बैरिंग गया है, क्या गया है। ठीक है, तो ये हमारा फोल्ड पकड़ने का वीडियो था। ठीक है, आप लोगों को अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।